हेलो गाइस, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं फिजिक्स से क्लास टेंथ का, जो कि लेंस पे आधारित है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बन रहा है 2/3, यानी एक से भी कम जो उसका ऑब्जेक्ट था, जो उसकी साइज थी ऑब्जेक्ट की, उससे भी कम इसकी साइज बन रही है किसकी, इमेज की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ऐसे समय में ये जो होता है ये मैग्निफिकेशन होता है, और मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3, तो मैग्निफिकेशन हो गया -2/3। यहीं पे वी की जो वैल्यू दिया गया है, क्योंकि इमेज जो है इसको कहा जा रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर दूर था, है ना, तो वी इज इक्वल टू +12 सेंटीमीटर। अब प्लस क्यों लगा, साइन कन्वेंशन अगर आप पढ़े होंगे तो साइन कन्वेंशन में ये कहता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो इमेज होता है वो हमेशा राइट साइड में बनता है, इसलिए यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस होगा। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। अब एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई यू। एम का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, -2/3 इज इक्वल टू, वी की वैल्यू है 12 और U की वैल्यू U ही रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 12, जो नीचे है ये इस साइड में जाने के बाद से ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, और जो ऊपर है वो इस साइड में आने के समय में ये नीचे चला जाएगा, जो कि डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 6 = 12। इट मीन्स कि -18 सेंटीमीटर U की वैल्यू आई है, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V -1/U। अब 1/V की वैल्यू क्या है, 12, -1/U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है -18। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12 और 18 दोनों का ही एलसीएम हो जाएगा 36। 12 से ये 3 बार में कटेगा, इसलिए 3 बन जा, ये हो जाएगा 3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 18 × 2 = 36, तो 1 × 2 = 2, इट मीन्स कि 5/36, और ये किसकी वैल्यू आई है, 1/F की। सो 1/F इज इक्वल टू 5/36। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को ही रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इधर F हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 36/5। 5 × 7 = 35 और 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं हमारा चैनल। देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।